सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट, और उसके बाद आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल, और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लच मैकेनिज्म के ऊपर कि हमारा गाड़ी का जो क्लच है वो किस तरह काम करता है, कैसी उसकी असेंबली होती है, किस तरह से जब हम पैडल दबाते हैं तो क्या चीज़ को ऑपरेट करता है जिसकी वजह से इंजन की पावर डिसकनेक्ट हो जाती है। बेसिकली क्लच का फंक्शन है डिसइंगेज और डिसइंगेज करना। इंगेज माने कि जब हम पहले तो हम डिसइंगेज बोल रहा हूँ कि डिसइंगेज करना, जब हम क्लच दबाते हैं तो इट मीन्स वी आर डिसइंगेजिंग द क्लच, मीन्स कि हम इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ डिसकनेक्ट कर रहे हैं। जब हम क्लच छोड़ देते हैं तो हमारी इंजन की पावर जो है वो गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाती है और हमारी व्हील्स को ड्राइव मिलना शुरू हो जाता है। तो ये किस तरह से मैकेनिज्म है, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं बीच में, तो थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि क्लच के मैं आपको असेंबल्ड व्यू और मैं आपको जो असेंबली है उसमें भी आपको ये क्लच जो क्लच का जो मैकेनिज्म और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बता दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये असेंबल्ड है, जो भी हमारी क्लच असेंबली है, और ये डिसमेंटल्ड है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये फ्लाई व्हील है, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। ये इस तरह से अटैच है, आप देखोगे ये ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है। ये मेरे पास ये एम्बेसडर गाड़ी का है और ये हमारे पास 800 का है। उसके बाद हमारी जो है ये क्लच प्लेट है, इसको क्लच प्लेट बोलते हैं। तो क्लच प्लेट में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है दैट वन इज़ फ्रिक्शनल मटेरियल, इसको फ्रिक्शनल मटेरियल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा फ्रिक्शन रहता है जिसकी वजह से पावर जो है वो इंजन से गियर बॉक्स में आती है। बीच में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है वो क्यूशनिंग का काम करते हैं, मीन्स जब हमारी गाड़ी आइडल पोजिशन में होती है और जब हमारी गाड़ी चल रही होती है तो ये क्लच जो है वो मूवमेंट करता है इस तरह से, तो जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ये स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग ना होते तो ये क्लच प्लेट वैसे ही टूट जाती। और इसके अंदर ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये अंदर स्प्लाइंस हैं, यहाँ पे स्प्लाइन शाफ्ट रहती है, ये वाली शाफ्ट जो गियर बॉक्स जो इंजन की जो आउटपुट शाफ्ट है वो यहाँ पर असेंबल होती है। तो ये किस तरह से असेंबल रहता है हमारा, जैसे ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के बीच में ऐसे क्लच प्लेट रहती है, और क्लच प्लेट के बाद तीसरा मैं बताना भूल गया, यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं, और ये स्प्रिंग का काम करते हैं, ये इसको डायाफ्राम स्प्रिंग बोलते हैं, और ये फ्रिक्शनल ये फ्रिक्शनल सरफेस है इसका प्रेशर प्लेट का, जो कि क्लच डिस्क के साथ जो है वो इस तरह से जुड़ कर चलता है। तो ये आपको बताता हूँ फिर कैसे काम करता है ये। अच्छा, और ये डायफ्राम स्प्रिंग है, जब हम क्लच दबाते हैं, जब हम पाँव से क्लच दबाते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे एक बैरिंग होता है, प्रेस बैरिंग। तो इस तरह से बैरिंग होता है, मेरे पास है नहीं वो बैरिंग, बट इस तरह से कुछ बैरिंग होता है, वो यहाँ पे प्रेशर डालता है जब हम पाँव से, अभी तो हाथ से आप इसको दबा नहीं पाओगे, बट जब पूरी की पूरी असेंबली जुड़ी होती है तो आप पाँव से इसको ईजिली जो क्लच पैडल है उसे ईजिली प्रेस कर पाते हो। तो ये इसको क्लच पैडल जो है, जो हमारा बैरिंग है, वो इसको नीचे की तरफ को जो है वो धकेलता है, जिसकी वजह से ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम हम देख रहे हैं कटा हुआ है, ये नीचे की तरफ जाएगा और हमारा जो प्रेशर प्लेट है ये वाला अंदर, दिस वन इज प्रेशर प्लेट, ये पीछे की तरफ आएगी। आप देखोगे कि यहाँ पे छोटी छोटी सी पत्तियाँ दे रखी हैं बीच में, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगी इस तरफ को, तो जिसकी वजह से क्लच हमारा डिसइंगेज होता है और ये हमारी प्रेशर प्लेट जो है फिर वो असेंबली इस तरह से रहती है लाइक दिस। तो ये पूरी असेंबली हमारी इस तरह से फिट रहती है और ऐसे सेम असेंबली यहाँ पे ऑलरेडी फिटेड है। ओके, तो अभी यहाँ बैरिंग है नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो बैरिंग यहाँ पे लगता है, प्रेस बैरिंग बोल लो उसको, तो वो इस तरह से रहता है इसके अंदर शाफ्ट के अंदर। तो जब हम क्लच दबाते हैं तो वो डायफ्राम को अंदर की तरफ को धकेलता है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर प्लेट है ये पीछे की तरफ आती है और क्लच डिस्क जो है वो हमारा जो है वो पीछे आ जाता है, लगभग 1 mm के करीब जो है वो, पैसेंजर गाड़ियों में लगभग 1 mm के बीच जब हम क्लच दबाते हैं मीन जब हम डिसइंगेज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 mm का गैप बना लेता है। अगर वही कमर्शियल गाड़ियाँ होंगी तो 1.5 mm का जो है वो गैप जो है वो क्रिएट करता है। तो
ये था कि किस तरह से क्लच मैकेनिज्म काम करता है। उससे क्या होता है कि जो पावर, जो फ्लाई व्हील में जो इंजन वाली पावर है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है जब हम क्लच दबाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप मेंटेन हो जाता है यहाँ पे, तो पावर डिस्कनेक्ट होती है। जैसे ही हम क्लच रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये फिर से क्लच डिस्क जो है वो फिर से प्रेशर प्लेट और प्रेशर प्लेट के साथ कनेक्ट हो जाती है और पावर पीछे ट्रांसमिट हो जाती है यहाँ से। जब गाड़ी घूमती है तो ये पूरी की पूरी, जब गाड़ी का इंजन चलता है तो ये पूरी की पूरी असेंबली घूमती है फ्लाई व्हील के साथ, ठीक है। तो जब हम क्लच दबाते हैं तो सिर्फ काम ये होता है कि यहाँ पे इन स्प्रिंग को, डायफ्राम स्प्रिंग को ये प्रेस करता है। प्रेस करने से अपोजिट मूवमेंट होती है और ये पीछे की तरफ जो है मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पावर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये था क्लच का मैकेनिज्म दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालें, या कुछ मेरे से छूट गया तो भी कमेंट में डालें। तो थैंक यू सो मच गाइस।